ठीक है फ्रेंड्स, तो एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम प्रीलिम्स क्विज में। तो अभी तक हम 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपको वीडियो मिलने से पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेदर वेदिक एज? नंबर वन, वैश्यास वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। नंबर टू, वुमेन वर अलाउड टू स्टडी वेदास। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है, वेश्यास वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि लेटर वैदिक एज में क्षत्रियाज और वेश्यास को अलाउ किया गया था कि वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकें, वुमेन और शूद्रास को अलाउड नहीं था कि वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकें। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो हो जाती है गलत। दूसरा, वुमेन वर अलाउड टू स्टडी वेदास, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है, क्योंकि औरतों को वेदास पढ़ने की जो थी वो इजाज़त नहीं थी। तो दोनों जो स्टेटमेंट है आपकी वो गलत हो जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। 12th क्वेश्चन, अशोकास धामा आस्क्ड इट सब्जेक्ट्स टू फॉलो व्हाट प्रैक्टिसेस? नंबर वन, परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। नंबर टू, रिस्पेक्ट ओन एंड अदर्स रिलीजन। नंबर थ्री, बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो जो पहली स्टेटमेंट है परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अशोका का जो धामा था वो अशोका अपने धामा के थ्रू ये प्रमोट करना चाहता था कि जो लोग उस टाइम पे अपना फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे थे, अपने फालतू के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे थे रिचुअल्स पे और सेक्रीफाइसिस पे, अशोक इनको बंद करवाना चाहता था। अशोक का ये मानना था कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसिस को करने से किसी को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये ही अशोक ने बुद्धिज्म से सीखा था, तो वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। तो ही नेवर प्रमोटेड परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो आपकी स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। तो दो ऑप्शन अगर हम एलिमिनेशन के हिसाब से चले तो ए और बी आपका जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। आपके पास ऑप्शन बचते हैं सी और डी। ठीक है, सी और डी दोनों में ऑप्शन जो है आपका थ्री अवेलेबल है। तो थ्री मतलब बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, तो आपका मतलब ठीक होना ही चाहिए। अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है या नहीं है। रिस्पेक्ट ओन एंड अदर्स रिलीजन, तो जो अशोका का धामा था वो एक सेक्युलर धामा था, ठीक है, एंड इट प्रमोटेड कि इंसान को सिर्फ अपना रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, सामने वाले का रिलीजन भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे जो सोसाइटी है उसमें हार्मनी जो है बनी रहेगी। तो अशोका के धामा हमेशा सेकुलरिस्ट प्रिंसिपल्स पर फॉलो किया उन्होंने। तो जो सेकंड स्टेटमेंट आपका वो भी ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा इसमें सी, टू एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, प्राज्ञ प्रहस्ति ऑन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन सेल्फ प्रेज ऑफ विच रूलर? ए चंद्रगुप्त वन, बी सकंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की यहाँ पर बात हो रही है, ये जो मेजर वन ऑफ द मेजर एडिक्ट था जो अशोक ने अपना धामा प्रमोट करने के लिए लगवाया था, तो उसी पर एक वन ऑफ द गुप्ता रूलर ने ये इंस्क्रिप्शन जो है लिखी गई थी। तो इसका आंसर जो है आपका वो है सी, समुद्रगुप्ता। ये समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हरिसेना ने उनकी प्रेज में लिखी थी। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं प्रीलिम्स क्यूज़ की, तो जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं तब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स लिखिए और उसके बाद वीडियो प्ले करके आंसर्स चेक कीजिए और अपने आप को उसी हिसाब से आप मार्किंग कीजिए। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितना आपको उसमें और हार्डवर्क पुट करने की ज़रूरत है और आपको कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वर समंताज इन गुप्ता एम्पायर? तो पिछले कुछ सालों से अगर आप ट्रेंड देखें तो एंशियंट इंडिया या मिडिवल इंडिया में से क्वेश्चन जनरली आ जाता है, जिसमें आपको कोई ना कोई पोस्ट जो इन एम्पायर्स में होती थी, चाहे वो मुगल एम्पायर हो या फिर सल्तनत एम्पायर हो या एंशियंट इंडिया के जो रूलर्स हुए थे गुप्ता एम्पायर इन टेक्स्ट्रा, उनमें से जो पोस्ट होती थी, जो ऑफिशियल्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, उसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है कि ये ऑफिशियल किस काम के लिए होता था या इस चीज़ का क्या मीनिंग होता था। तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा याद रखना जरूरी होता है। तो हु वर समंताज इन गुप्ता एम्पायर? ए जजेस, बी बिग लैंडलॉर्ड्स हु मेंटेन्ड आर्मी, सी प्राइम मिनिस्टर टू द किंग, डी लोकल प्रीस्ट्स। तो इसका आंसर है आपका बिग लैंडलॉर्ड्स हु मेंटेन्ड आर्मी। तो समंताज जो होते थे आपके गुप्ता एम्पायर में, ऐसे लोग होते थे जिनको किंग्स अपॉइंट करते थे, जो काफ़ी जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो अच्छी खासी ज़मीन मेंटेन रखते थे, और उन्हीं लोगों को उन्हीं ज़मीन के रिसोर्सेज में से जो रेवेन्यू वगैरह आता था उससे एक आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती थी, जिससे वो आसपास के रीजन के लिए सिक्योरिटी जो थे प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मनुस्मृति? तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं आप, यूपीएससी का जब आप 2018 में प्रीलिम्स का जब अटेम्प्ट देने जाएंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है
क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जब भी करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ड आपको दिखे आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो क्वेश्चन हमारा देखा हुआ होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक्साइट हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, और हम करेक्ट और इनकरेक्ट को नोटिस नहीं करते हैं और आंसर जो है वो गलत कराते हैं। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट का चक्कर पड़ता है, उसमें मेनली ये होता है कि आपके पास करेक्ट वाला आंसर भी होगा और इनकरेक्ट वाला आंसर भी होगा, ठीक है। करेक्ट वाले के हिसाब से भी ऑप्शंस होंगे और इनकरेक्ट वाले के हिसाब से भी ऑप्शंस होंगे, और इसी एक्साइटमेंट में आप अपने 2 नंबर का तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, ऊपर से आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा 0.67 मार्क्स का वो भी हो जाएगा। तो टोटल लॉस जो आपको इस केस में रहेगा वो 2.67 मार्क्स का रहेगा, जो आपका डिसाइड करेंगे कि आप प्रीलिम्स के बाद मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये मैं आपसे शेयर इसीलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि 2016 में जब मैंने प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया था अपना, तो 116 मार्क्स जो थी जनरल की कट ऑफ गई थी, आई स्कोर्ड 113 मार्क्स, और उसमें से 2 क्वेश्चन में ये करेक्ट और इनकरेक्ट की वजह से जो मुझे आते थे वो मैं गलत कराया था, और इसी वजह से मेरा वो साल में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो चीज़ है उसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ रिलीजियस टेक्स्ट। नंबर 2, द टेक्स्ट इज इन संस्कृत। नंबर 3, टेक्स्ट वॉज कंपाइल्ड बिफोर 2nd century BCE। तो थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, अगर आपने मनुस्मृति के बारे में NCERT पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट, इट इज़ अ रिलीजियस टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि मनुस्मृति जो आपकी है वो एक लीगल टेक्स्ट है। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट, इट इज़ अ लीगल टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि क्या क्या इंसान को करना चाहिए, लीगल क्या होता है, लीगली क्या नहीं होता, तो वो सब उसमें डिस्कशन है। नंबर 2, द टेक्स्ट इज इन संस्कृत, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो आपका मनुस्मृति का टेक्स्ट है वो संस्कृत में है। नंबर 3, टेक्स्ट वॉज कंपाइल्ड बिफोर 2nd century BCE, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जो मनुस्मृति की जो कंपोजिशन हुई थी वो आपकी 2nd century BCE से लेके 2nd century CE के बीच में हुई थी, ठीक है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी है जो वो गलत हो जाती है, सिर्फ आपकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी वो गलत है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए। 16th, हु वर वेलर ड्यूरिंग द संगम एज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूछ लिया जाता है कि कौन क्या होता था, तो ए प्लॉमैन, बी स्लेव्स, सी लार्ज लैंड ओनर्स, डी लैंडलेस लेबर। तो इसका आंसर बी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सी लार्ज लैंड ओनर्स है इसका आंसर। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अग्रहरा, ठीक है। इट वॉज लैंड ग्रांटेड फॉर ओनली बिल्डिंग टेम्पल्स। नंबर 2, द लैंड वॉज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अग्रहारा क्या होता है। अग्रहारा वॉज द लैंड गिवन टू द ब्राह्मिन्स, ठीक है। ब्राह्मिन्स को जो लैंड दे देती थी स्टेट, उसको अग्रहारा बोला जाता था। अब वो उस ब्राह्मिन्स को उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें, लैंड रेवेन्यू के लिए यूज़ करें, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें, किसी को रेंट पे दे दें, कुछ भी उस लैंड का करें, वो उनकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर मंदिर ही बनाए। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो हो जाती है सीधा सीधा गलत। दूसरी स्टेटमेंट, द लैंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस, ठीक है। जो ये लैंड जो ब्राह्मण्स को दे दिया जाता था वो उनके पर्सनल यूज़ के लिए दे दिया जाता था, और उससे कोई लैंड रेवेन्यू या कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था। अगर फॉर एग्जांपल वो ब्राह्मण उस लैंड को कुछ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस क्रॉप के प्रोड्यूस पे कोई टैक्स उनसे कलेक्ट नहीं किया जाता था। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 2 ओनली। 18th, द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ए झेलम, बी चेनाब, सी इंदस, डी सतलुज, ठीक है। तो तक्षशिला आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पड़ता है, अब वो खैर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस वाले रीजन में आता है, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए झेलम। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्वाइनेज इन इंडिया। नंबर 1, कुशानाज वर द फर्स्ट टू इशू क्वाइंस विद नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। नंबर 2, कुशानाज वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइंस। नंबर 3, कॉइंस वर ऑल्सो इशूड बाई ट्राइबल रिपब्लिक सच एज योध्याज ऑफ पंजाब। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, कुशानाज वर द फर्स्ट टू इशू कॉइंस विद नेम एंड इमेज ऑफ रूलर्स, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, क्योंकि इंडो ग्रीक्स, जब इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए तो उन्होंने कॉइंस इशू करने शुरू किए, और उन्होंने जो कॉइंस इशू किए उस पर उन्होंने अपने किंग का नाम और
किंग की तस्वीर जो था छपवाना पहली बार हिंदुस्तान में शुरू किया। पहली बार हिंदुस्तान के किसी सिक्के पर राजा का नाम और उनकी तस्वीर छपनी जो है वो शुरू हुई इंडो ग्रीक्स के टाइम पे। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि कुशानाज आपके इंडो ग्रीक्स के बाद है। स्टेटमेंट नंबर टू, कुशानाज वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि कई बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, और कई बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि कुशानाज वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब किसकी माने जाए, तो हम उसकी मानेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, और एनसीईआरटी में आपका लिखा है कि कुशानाज जो थे उन्होंने पहली बार जो थे गोल्ड कॉइन्स इशू किए। तो और किसी किताब के मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी सोर्स मैं फॉलो करूंगा, सरकारी सोर्स है, वहीं से सवाल बनते हैं। तो कुशानाज वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, इसीलिए हम इसको एनसीईआरटी में ये लिखा है, तो हम इसको ठीक मान लेते हैं और सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक हो जाएगी। थर्ड, कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक सच एज अयोध्याज ऑफ पंजाब। जो ये स्टेटमेंट है आपकी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो ट्राइबल रिपब्लिक्स होते थे, छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक्स होते थे जैसे अयोध्याज पंजाब में, वो अपने खुद के कॉइन्स इशू कर लेते थे। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 2 and 3A। हु वर पतिवेदका अंडर किंग अशोका। ए रिपोर्टर्स अपॉइंटेड बाय अशोका, बी रॉयल प्रीस्ट, सी टैक्स कलेक्टर्स, डी हेड ऑफ ट्रेजरी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका रिपोर्टर्स अपॉइंटेड बाय अशोका।